अच्छा ये बताइए कि समागम में सबसे ज़्यादा महिलाएं क्यों जाती हैं? भैया महिलाएं चंचल और कोमल हृदय की होती हैं। अच्छा, अगर महिलाएं नहीं जाएंगी तो हम लोग वहाँ क्या करने जाएंगे? हाँ बात तो सही है भैया। ये मानिए कि महिलाएं वहाँ पे जाती हैं आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, तभी तो वहाँ पे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। दोस्तों भी आपने देखा होगा कि अभी एक बाबा का समागम हुआ था और वहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हुई थी, और देखा होगा एक वहाँ पे भगदड़ मच गई थी, इसमें 100 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे मौत हो गई है। तो हम उसी गांव में मौजूद है जहाँ बाबा के भक्त मौजूद है। हमारे सूत्रों ने बताया है कि ये लोग कुछ बाबा के जो अनेक जो राज हैं जो कोई नहीं जानता वो यहाँ पे ये लोग हमें बताएंगे। तो ठीक है, उसी को जानने के लिए आज यहाँ पे दो भक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पे वो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। चलिए बातचीत का प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। साकार की जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो भाई साहब, जैसे कि हमारे जो सूत्रों ने बताया आप लोग बाबा के भक्त हैं, आप शायद मेरे ख्याल में लवलेश यादव हैं? नहीं सर, हम लवलेश यादव हैं। अच्छा लवलेश हैं जी, हमें लवलेश बताया था। और आप कौन हैं? बुरंडी सिंह हैं? अरे नहीं नहीं, ब्रंदीस, ब्रंदीस। अच्छा ब्रंदीस, वो वृंदावन वाला जी। हाँ, हाँ, जी, थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा अंग्रेजी में लिखा था। तो अच्छा आप ये बताइए, बाबा जी के भक्त हैं? हाँ भैया, हम लोग बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ। उनको परम पिता परमेश्वर मानते हैं। हाँ। और उनके सत्संग में हम सिर्फ दीक्षा के लिए जाते हैं। अच्छा दीक्षा के लिए जाते हैं, पता है कौन सी दीक्षा के लिए जाते हो? अरे प्रधान जी साकार की जय हो, जय हो। अच्छा प्रधान जी हैं? हाँ। अरे चलिए बहुत अच्छी बात है प्रधान जी। अच्छा ये बताइए, ये जो एक जो घटना क्या बोले, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई जिसमें 100 लोगों की मृत्यु हो गई, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या बताएं भैया, इस घटना से हमें भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। हम आपको बता नहीं सकते कि हम कितने दुखी हैं। हाँ पता है क्यों दुखी हो। अच्छा ये बताइए आप लोग कि बाबा जी का जो समागम होता है उसमें किस तरह का गुरु मंत्र वो देते हैं ज़्यादातर? भैया बाबा जी उसमें बहुत सारे गुरु मंत्र देते हैं। जैसे? लेकिन हाँ, जैसे कि भैया आप ये समझ लीजिए कि बाबा जी का कहना है हमें हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए, मांसाहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन से सदैव दूर रहना। अच्छा अच्छा, बिल्कुल अच्छा। दूर रहना चाहिए। अबे पिंगड़वा ले गए मछली मार। अबे अबे तू जा यार, तू जा। मछली अबे छूट गई यार। हाँ यार, डाल डाल डाल, वापस डाल, वापस डाल, वापस डाल। ये देखो ये इनका सात्विक भोजन है। हाँ, मछलियाँ मार रहे हैं और ये सात्विक भोजन करते हैं। अरे भैया आप लोग तो अभी यहाँ तपस्या कर रहे थे यार। भैया तपस्या किस लिए कर रहे हैं? फल के लिए। हाँ तो फल भी तो मिलना चाहिए। हमें पता है किस तपस्या के लिए यहाँ तपस्या कर रहे थे। यहाँ से तपस्या भाभी निकलती है, उनके चक्कर में यहाँ बैठे कटिया लगा के। अच्छा तपस्या भाभी निकलती है? तपस्या भाभी यहीं से निकलती है। अच्छा। इसलिए बैठे हैं ये। अच्छा ये बताइए, तो चलो ठीक है, मछली के कांटे वाली बात तो ठीक है, और बताइए और किस तरह के गुरु मंत्र वो देते हैं वहाँ पे समागम में? गुरु जी के बहुत सारे गुरु मंत्र हैं, जैसे कि जीवों पे दया करना, लोगों से प्रेम करना। अच्छा बहुत सारे सिखाते हैं उसी। अच्छा हाँ, प्रेम मतलब लव, एल ओ वी ई, एल हिलाओ, ओ दबाओ, वी में घुसाओ, ई निकले तो लव पूरा। अरे प्रधान जी ये आप क्या? अरे क्या कर रहे हैं प्रधान जी? अरे चलिए ठीक है ठीक है, चलिए हम अगला सवाल पूछते हैं आप। अच्छा आप ये बताइए, आपके पास बाबा जी की बहुत सारी जानकारियां हैं, कुछ थोड़ा सा और बताइए बाबा जी के बारे में। बाबा हमारे अवतारी हैं, चक्रधारी हैं। अवतारी हैं, चक्रधारी हैं, बिल्कुल। अच्छा आप लोग ये बताइए, जैसे समागम होते सत्संग होते वहाँ का माहौल कैसा होता है? वहाँ सत्संग में जाने से ऐसा लगता है तन मन को बिल्कुल शांति मिल जाती है, आध्यात्म की प्राप्ति होती है और आत्मा की तृप्ति मिलती है। अच्छा की तृप्ति होती है, ऐसा लगता है जैसे हम 10 साल और जवान हो गए हैं। अच्छा युवा हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब वो तो होगा ही। हाँ। अब वहाँ पर आदमी और औरतें एक साथ नहा रहे हैं। हाँ। एक दूसरे का सामान देख रहे हैं, तो आत्मा की तृप्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। अरे सर प्रधान जी। अच्छा ये बताइए कि समागम में सबसे ज्यादा महिलाएं क्यों जाती हैं? भैया महिलाएं चंचल और कोमल हृदय की होती हैं। अच्छा अगर महिलाएं नहीं जाएंगी तो हम लोग वहाँ क्या करने जाएंगे? हाँ बात तो सही है भैया। ये मानिए कि महिलाएं वहाँ पे जाती हैं आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। हाँ। तभी तो वहाँ पे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अच्छा हाँ, हाँ भाई, अब महिला पुरुष एक साथ नहा रहे हैं। हाँ। महिलाएं आत्मा है, पुरुष परमात्मा है, अब जब दोनों मिलते हैं तभी तो ज्ञान रूपी बालक की उत्पत्ति होगी।
अरे आप तो बड़ा हाई लेवल चले रहे हैं। अबे अबे देख 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 मछली लगी। अबे छूट गई यार। अबे यार कुछ नहीं हो सकता यार। अरे रुको भैया, हम बता रहे हैं। हाँ हाँ बताओ भैया। अरे भैया रुको, प्रधान जी की बात मत सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ सुनाओ। अब ये जैसे तालाब है, हाँ, इसमें मान लो रेहू और सौरी, हाँ, और बचवा, ये मान लो कि ये समागम है। हाँ, कई मछलियाँ इसमें, कई मछलियाँ हैं। हाँ। अब घर में एक ही तरह की मछली खाओ तो वो मजा नहीं आता। बड़े हाई प्रोफाइल वाले। हाँ भाई सही है, अब घर में तो एक ही मछली खानी पड़ेगी। अब वहाँ पर वैरायटी मिलती है, जाओ वैरायटियाँ टेस्ट करो। वैरायटी टेस्ट करने जाते हैं वहाँ संग। अच्छा, सत्संग थोड़ी करने जाते हैं। सत्संग चले ठीक है। आफ्टर ऑल ये आप बताइए, क्या बाबा जी के समागम में जाते क्यों हैं? अरे भैया हम लोग सिर्फ दीक्षा के लिए जाते हैं। दीक्षा के लिए जाते हैं? पता है किस दीक्षा के लिए जाते हैं? यहाँ से एक गांव छोड़ के अगले गांव में दीक्षा रहती है। अच्छा, किसी कन्या का नाम है? हाँ, लड़की का नाम है। हाँ। उसके चक्कर में साले दोनों जाते हैं। अच्छा। और जब वो यहाँ से निकलती है तो वो सम्मोहनी मंत्र पढ़ते हैं। अरे प्रधान जी आप ये क्या बता रहे हैं, आपने तो पूरी पोल खोल दी। पोल क्या खोल दी, जो हकीकत वो बता दी। अब चलो आपने इतना सब कुछ बता ही दिया तो फिर हम पूरी सच्चाई आपको बता ही देते। क्या सच्चाई बताइए? हम लोग सत्संग में जाते थे दीक्षा के लिए। अच्छा। दीक्षा से मेरी बात हो गई, दीक्षा हमसे मान गई थी। हाँ। ठीक है तुमको हम देंगे। हाँ। लेकिन साथ साथ ये मेरा दोस्त भी साथ में था, इस तो मैंने उससे बात करी कि दोनों मिलकर उसकी लेंगे। अच्छा। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी, कह रही हम दोनों को नहीं देंगे। हाँ। तो एक बार समागम से पहले नहाना होता है, समागम में नहाना होता है। हाँ, हाँ, हम उसी में नहा रहे थे तो इसने अपना उसको सामान दिखा दिया। वो एकदम भनभना गई। अच्छा। वो एकदम भनभना गई। उसने सोच लिया कि हम इसका भी ले लेंगे। तो उसने कहा इस वाले समागम में नहीं, अगले वाले में जब तुम आओगे तो हम दोनों को देंगे। वो होना नहीं था, उससे पहले ये वाला कांड हो गया। इधर मेरा भी दिल बैठ गया बुरी तरीके से, उससे मिल नहीं पा रहे थे, उधर उसकी हालत खराब हो गई। और एक केल बीड़ी हो गई तुम लोग साथ। तुम लोग साले सब एक ठरकी इंसान दोनों लग रहे हो। देख लिया ना कि साले वहाँ सत्संग करने के लिए नहीं जाते, वहाँ सिर्फ लौंडियाबाजी करने के लिए जाते। साले एक नंबर के लौंडियाबाज है। वो हम समझ गए यार देख के। चलिए ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि जिन जिन लोगों को हम दो भक्त समझ रहे थे वो भक्त ना होकर वो साले बहुत बड़े ठरकी लौंडियाबाज टाइप के लौंडे हैं। यहाँ पे जो भी बातचीत हुई इसकी हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ये दो लोगों की बातें थी, मैं समझ नहीं पाया था ये कौन से तरह के लोग हैं। मुझे सूत्रों से पता चला था कि यहाँ पे भक्तगण हैं जो कि बाबा के बारे में बताएंगे। और ये जो बाबा जी हैं और ये जो दुर्घटना हुई है इसमें बीसी सेंटर की अपनी कोई निजी राय नहीं है। आप लोगों से गुजारिश है जो बाबा के जो सत्संग है समागम है यहाँ पे जाने की, अब जो भी आपकी जो भी निश्चय है वो स्वयं ही करें, अपने विवेक अनुसार ही करें। तो बने रहिए आपके अपने शो बीसी सेंटर में, मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बीसी के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।